लड़कियों चुप रहो, ये दरवाजे भी बंद कर लो भाई। तो उधर जो बैठी लड़की, इस ऊपर हटा दो इसका, करो कैमरा को, करो इसमें से। इसको इधर मूव करो, ऑडियो भी ऑन है ना। अरे तो तेरे को स्क्रीन देखने के लिए क्लास में नहीं आ सकता क्या? या मैसेज कर रहा है, दिखाई नहीं दे रही इसके। पंचायत कर रहे हैं आप, ठीक है, दैट्स इट। मैं ना स्क्रीनशॉट लेके रख रहा हूँ ये कौन कौन इसमें है, शाम को बात करूंगा मैं। हाँ ऑडियो वीडियो सब आ रही है इनको, रजाई में बैठे बैठे। चलो ठीक है, चलो अच्छा। अब इतने सारे पॉजिटिव थोड़ी आएंगे, आई एम पॉजिटिव असर। सही है, शाम को क्लास में मिलियो तुम लोग। नेतागिरी कर रहे हो ऑनलाइन में। चलिए कितना हो गया था बताओ, वो हो गया था शायद कंप्लीट, शक्ल शक्ल बताना। चलिए शटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। शटल सिस्टम, देखो क्या बातें बंद करो भाई। शटल सिस्टम में दो टाइप के, पहले तो पर्पस क्या है शटल सिस्टम का, ग्लाइकोलाइटिक एनएडीएच एच प्लस को कहां पे ट्रांसफर करना, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके नीचे लिखो आप ग्लाइकोलाइटिक एनएडीएच एच प्लस को माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरण, माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरण। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में स्थानांतरण किया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में स्थानांतरित किया जाएगा। क्योंकि जब तक ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं आएंगे तब तक इनसे एटीपी बनाई नहीं जा सकती, और ये शर्त है कि इनका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आना जरूरी है। कर दिया इतना। अब देखो दो टाइप के शटल हैं, ऐसे आप दो टाइप कर दीजिए इनके। पर्पस दोनों का सेम है, साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स के अंदर एनएडीएच एच प्लस का स्थानांतरण। तो यहां हो जाएगा साइटोप्लाज्म और यहां हो जाएगा मैट्रिक्स, और सेम यहां पे होगा साइटोप्लाज्म और यहां पे होगा मैट्रिक्स। जब साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच एच प्लस मैट्रिक्स में एनएडीएच एच प्लस के फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है तो उस शटल का नाम मेलेट एस्पार्टेट शटल, मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। और अगर एनएडीएच एच प्लस का स्थानांतरण
FADH2 के रूप में हुआ, तो दो NADH H प्लस दो FADH2 में कन्वर्ट होंगे, तो इसका मतलब दो ATP का लॉस हो जाएगा, और ये होगा प्लीज सोल फॉस्फेट शटल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर हार्ट किडनी, लीवर हार्ट और किडनी, और यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल नर्व, ऑल मसल्स और ऑल प्लांट्स। तो अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है तो इसका मतलब 36 ATP बनेंगे, और अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल है तो अब जितना दिख रहा है उतना देख, तू अटेंड ही क्यों कर रहा है मुझे तो ये बता, ऑनलाइन क्लास हर बैच में हो रखा है टॉपिक, तुम लोग रिवाइज करो ना कोई पहले का टॉपिक, तुम्हारे बैच में सब में हो रखा है, तो एक एक क्लास पीछे चल रहा है ये बैच। तो मतलब फालतू में समय पर बात कर रहे हैं, ठीक है वो एक फैसिलिटी दी है इंस्टीट्यूट ने, उसका क्यों क्लास में आके पढ़ो ना, ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है, दो साल से ऑनलाइन, अगर उससे कुछ होता तो इतना अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो होते मेडिकल कॉलेज में। तो चलिए, तो ये हो गया क्लियर, मेलेट एस्पार्टेट शटल साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में NADH H प्लस से NADH H प्लस में, यानी कोई लॉस नहीं होगा, और वहां पे बात करेंगे तो लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल होगा तो 38 ATP बनेंगे, और अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होगा तो 36 ATP बनेंगे। और याद रखना कि जो प्रोकैरियोट है उनमें शटल सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं होती है, और उनमें 38 ATP ही बनते हैं अगर YBS मसल हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर है, तो उनमें किसी शटल सिस्टम की कोई जरूरत नहीं होती है। डन, दैट्स इट। हाँ, डिटेल नहीं बताना चाहता मैं, काम की नहीं है, कुछ काम का तो ये भी नहीं है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है ये, NADH H प्लस ग्लिसरॉल के साथ क्रिया करेगा, मतलब DHAP के साथ क्रिया करेगा और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का निर्माण करेगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा तो NAD के साथ क्रिया नहीं कर सकता, वो खाली FAD से क्रिया कर सकता है, इसलिए वो FADH2 को FAD को हाइड्रोजन देगा तो FADH2 बनेगा, ये कारण है। तभी तो मैकेनिज्म है, यहां पर जो रिडक्शन पावर लेगा वो दूसरा सब्सट्रेट है, वहां पे जो रिडक्शन पावर लेगा वो दूसरा सब्सट्रेट है, यहाँ FAD लेगा वहां पे NAD लेगा, इस प्रकार से मत जाओ डिटेल में, कोई जरूरत नहीं, इसकी भी काम नहीं पड़ता है अपने को, बस खाली 36-38 का अंतर समझाने के लिए लिखा है। करें आगे बात, नेक्स्ट देखो, आगे की बात करते हैं शटल सिस्टम के बाद। अगली बात हमारे पास में आती है, यहाँ पे चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, कुछ रहा तो नहीं, लास्ट में वो NADH H प्लस वाला बताया था, मंद गति से ऑक्सीकरण और तीव्र गति से, ठीक है चलो फिर आगे बात करते हैं, एंजाइम स्टार्ट करेंगे यहाँ। हाँ, एंजाइम, लड़कियों बातें बिल्कुल नहीं करी है, चलो शुरू करें। करेक्टरिस्टिक फीचर पहले पढ़ेंगे इसके, चारित्रिक लक्षण, तो सबसे पहले देखो करेक्टरिस्टिक फीचर्स, करेक्टरिस्टिक फीचर्स हेडिंग करिए, करेक्टरिस्टिक फीचर्स,
चारित्रिक लक्षण। चलिए देखिए बात सुनना अच्छे से। ऐसे लिखा जाता है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब कोई अपवाद होगा जो प्रोटीन नहीं है। लिखिए आप पहला लक्षण लिखो, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अपवाद लिखिएगा, कुछ आरएनए एंजाइम की भांति व्यवहार करते हैं। अपवाद लिखो, इसी पहले पॉइंट के अंदर अपवाद लिखो। हाँ, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, उसके बाद में अपवाद लिखिएगा, कुछ आरएनए किसकी भांति, हाँ लिखिए आप, कुछ आरएनए एंजाइम की भांति व्यवहार करते हैं, एंजाइम की भांति व्यवहार करते हैं। इन्हें राइबोजाइम कहते हैं, इन्हें राइबोजाइम कहते हैं, इन्हें राइबोजाइम कहते हैं। तो राइबोजाइम नॉन प्रोटीन एंजाइम। उदाहरण लिखो, L19 RNAs और राइबोन्यूक्लियस पी, L19 RNAs और राइबोन्यूक्लियस पी, ये आरएनए एंजाइम्स है। L19 RNAs एंड राइबोन्यूक्लियस पी, L19 RNAs और राइबोन्यूक्लियस पी, हो गया ठीक है। अगली बात जानिए क्या है, नंबर दूसरा पिक्चर की बात करें। अब आप मुझे बताओ, मैं जो पूछता हूं कि ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं ना, और प्रोटीन होता है अमीनो अम्लों का बहुलक, तो इसका मतलब ज्यादातर एंजाइम अमीनो अम्लों के बहुलक है, ज्यादातर एंजाइम अमीनो अम्लों के बहुलक है। दूसरी बात है कि जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण डीएनए पर उपस्थित सूचना के अनुसार होता है, तो इसका मतलब जो एंजाइम है उनका संश्लेषण भी डीएनए पर उपस्थित सूचना के अनुसार होगा। डीएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, और उस प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, वन एमआरएनए वन एंजाइम, मोनोसिस्ट्रोनिक बोलते हैं ना, मोनोसिस्ट्रोनिक, तो वन एमआरएनए वन एंजाइम का निर्माण होगा, और वो फिर उपापचय में भाग लेगा, वो फिर उपापचय में भाग लेगा। लिखिए दूसरा फीचर लिखो, ज्यादातर एंजाइम अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, ज्यादातर एंजाइम अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, ज्यादातर एंजाइम अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, तथा इनकी प्रकृति कोलाइडी होती है, तथा इनकी प्रकृति कोलाइडी होती है। जैसे दूध में प्रोटीन है लेकिन दिखाई नहीं देती है, वैसे ही साइटोप्लाज्म में एंजाइम आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन होगा, तो कोलाइडी प्रकृति में होता है, इनकी प्रकृति कोलाइडी होती है। अब देखो, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम, तो एंजाइम फैक्ट्री भी राइबोसोम, क्योंकि उसी प्रोटीन से हम एंजाइम बना रहे हैं। इसी पॉइंट में लिखना, एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा, एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा, एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा अनुवांशिक नियंत्रण में होता है, एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा अनुवांशिक नियंत्रण में होता है, अनुवांशिक
नियंत्रण में होता है। डन, हो गया क्लियर? बिल्कुल सही बात है। अगर ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं तो राइबोसोम अगर प्रोटीन बनाएगा तो राइबोसोम को क्या कहेंगे कि ये एंजाइम बनाएगा, और ये ऐसा नहीं कोई भी एंजाइम बना लिया, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती है डीएनए से, एमआरएनए के थ्रू, और वही प्रोटीन बनती है, उसी प्रोटीन से वो पर्टिकुलर एंजाइम का ही निर्माण होता है। अगर जीन में डिफेक्ट आ गया तो प्रोटीन में भी डिफेक्ट आएगा और वो एंजाइम कार्य नहीं करेगा और वो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। डन, दैट्स इट। नेक्स्ट फीचर लिखो नंबर पर, नेक्स्ट फीचर लिखो, अगला लक्षण। अगला लक्षण क्या है पहले सुन लीजिए, कि एंजाइम प्रोटीन की भांति लाइन डायग्राम पंक्ति आरेख के द्वारा बनाकर दर्शाया जा सकता है। वी कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय ए लाइन डायग्राम। मतलब क्या हुआ कि हम एंजाइम को लाइन डायग्राम पंक्ति आरेख बनाकर दर्शा सकते हैं। लिख क्या, एंजाइम को पंक्ति आरेख, एंजाइम को पंक्ति आरेख लाइन डायग्राम बनाकर दर्शाया जा सकता है, लाइन डायग्राम बनाकर दर्शाया जा सकता है। अब डाउट ये कि लाइन डायग्राम होता क्या है। हमें अगर पता चल गया कि इन 50 अमीनो अम्लों से मिलकर ये एंजाइम बना हुआ है तो सबको एक लाइन में लिख दो, जैसे मिथियोनिन है MET, जैसे आर्जिनिन है ARG, जैसे फिनाइल एलेनिन है PHE, जैसे एलानिन है ALA एंड सो ऑन। तो लाइन डायग्राम बन गया, 50 के 50 अमीनो अम्ल हमने एक लाइन में लिख दिए और यहां बता दिया कि ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, तो ये लाइन डायग्राम होता है। क्या होता है ये लाइन डायग्राम, पंक्ति आरेख कहते हैं इसको, पंक्ति आरेख कहते हैं। डन, ज्यादातर एंजाइम अगर प्रोटीन है तो इसका मतलब वो प्रोटीन के लक्षण रखेंगे। प्रोटीन की, प्रोटीन पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा, चलो प्रोटीन हो गया, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन पढ़ा नहीं? तो प्रोटीन का मैं थोड़ा सा एक फीचर आपको बता देता हूँ कि इसकी चार प्रकार की संरचनाएं होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। तो एंजाइम भी चार प्रकार की संरचनाएं रखेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। लिखिए आप अगला फीचर, चौथा फीचर है ना, लिखो। प्रोटीन की भांति एंजाइम, प्रोटीन की भांति एंजाइम चार प्रकार की संरचनाएं रखते हैं, सबसे पहले लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना। क्या होती है प्राथमिक संरचना? अमीनो अम्लों का अनुक्रम, लिखो आप। यह अमीनो अम्लों का अनुक्रम होता है, यह अमीनो अम्लों का अनुक्रम होता है, देखिए। इसमें सक्रिय स्थल होते हैं क्या? नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये संरचना प्रोटीन का कार्य नहीं कर पाएगी। लिखिए आप, इसमें सक्रिय स्थलों का अभाव होता है, अरे थोड़ी देर रुक जाता, जाएंगे सर, लाइन में लगे पड़े हैं। तो लिख देना, इसमें किसका अभाव होता है? सक्रिय स्थलों का अभाव होता है। डन, नंबर दो लिखिएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द्वितीयक संरचना, क्या है द्वितीयक संरचना? हेलिकल, कुंडलिनी। कैसी होती है? कुंडलिनी। लिखिए आप,
ये हेलिकल होती है कुंडलिनी, ये हेलिकल होती है, या फिर लिख दीजिए कुंडलिनी, कुंडलिनी डन क्लियर है। ओके फिर अगली बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा इसमें भी सक्रिय स्थलों का अभाव होगा, लिख देना, इसमें भी सक्रिय स्थल अनुपस्थित होते हैं, इसमें भी सक्रिय स्थल अनुपस्थित होते हैं, इसमें भी सक्रिय स्थल अनुपस्थित होते हैं, डन। फिर लिखो आप टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। देखो प्रोटीन की आधारभूत श्रृंखला मतलब बैकबोन ऑफ प्रोटीन यानी अमीनो अम्लों की श्रृंखला, तो अमीनो अम्लों की श्रृंखला अपने आप को आड़ा तिरछा काटती है, जिसके फलस्वरूप अनेक पॉकेट्स कोटरिकाओं या क्रिवाइसेस का निर्माण होता है। इन्हें बोलते हैं सक्रिय स्थल, क्या बोलते हैं इन्हें, सक्रिय स्थल। और यहां आकर क्रियाधार जुड़ता है, कौन जुड़ेगा, क्रियाधार, और एंजाइम उसका उत्प्रेरण करके उसे उत्पाद में बदल देगा। तो इस संरचना में सक्रिय स्थल होते हैं। लिखिए प्रोटीन की आधारभूत श्रृंखला, प्रोटीन की आधारभूत श्रृंखला, प्रोटीन की आधारभूत श्रृंखला अपने आप को आड़ा तिरछा काटती है, अपने आप को आड़ा तिरछा काटती है, आड़ा तिरछा काटती है, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप अनेक हिंदी में ऐसा बोलते हैं कोटरिकाओं, जिसके फलस्वरूप अनेक कोटरिकाओं, और साथ में आप इंग्लिश में लिख देना जरूर क्रिवाइसेस, ओब्लिक पॉकेट्स का निर्माण होता है, क्रिवाइसेस ओब्लिक पॉकेट्स का निर्माण होता है। प्रोटीन की आधारभूत श्रृंखला अपने आप को आड़ा तिरछा काटती है, जिसके फलस्वरूप अनेक कोटरिकाओं, क्रिवाइसेस या पॉकेट्स का निर्माण होता है, क्या बोलते हैं इनको, एक्टिव साइट्स। लिखिए आप इन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं, इन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं। कौन जुड़ेगा यहां आकर, सबस्ट्रेट, कब, अभिक्रिया के दौरान, इन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं। यहां अभिक्रिया के दौरान क्रियाधार आकर जुड़ता है, यहां अभिक्रिया के दौरान क्रियाधार आकर जुड़ता है, यहां अभिक्रिया के दौरान क्रियाधार आकर जुड़ता है, क्रियाधार आकर जुड़ता है, तथा एंजाइम उत्प्रेरण करके, तथा एंजाइम उत्प्रेरण करके, एंजाइम उत्प्रेरण करके क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है, क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है, एंजाइम उत्प्रेरण करके क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, चतुर्थक संरचना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी चतुर्थक संरचना, चतुर्थक संरचना, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब चतुर्थक संरचना, डन, ठीक है। अब देखो आगे की बात क्या है, ये भी फोल्डेड होती है लेकिन टर्सरी से ज्यादा फोल्डेड होती है, तो और ज्यादा आड़ा तिरछा काटेगी तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, कोई खासा फर्क
नहीं होगा। टर्सरी और क्वार्टनरी दोनों उत्प्रेरण का कार्य करती है और दोनों में सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। लिखिए यह तृतीयक संरचना से ज्यादा वलित होती है, यह तृतीयक संरचना से ज्यादा वलित होती है, यह तृतीयक संरचना से ज्यादा वलित होती है, ज्यादा वलित होती है, इसमें भी सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, इसमें भी सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, इसमें भी सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। डन। अब देखो समझने का डायग्राम बनाएंगे। आप डायग्राम को कैसे करेंगे, एक ही जगह पर पहले प्राइमरी, फिर उसके पास सेकेंडरी, उसके पास टर्शियरी और उसके पास क्वार्टनरी बनाएंगे। तो देखो ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ दिखेगा, हाँ यहाँ दिख जाएगा। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये एन एंड है और ये सी एंड है। ध्यान से सुनना, एक तरफ जिस तरफ NH2 समूह रहेगा वो एन एंड होगा, जिस तरफ CWO समूह होगा वो सी एंड होगा। तो ये लाइन डायग्राम है, क्या है ये लाइन डायग्राम, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके बाद बनाओ देखिए प्राइमरी, फिर सेकेंडरी ड्रॉ करिए। ये क्या है, हेलिकल, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी, ये एन हो गया, ये सी हो गया। ये एरो डायरेक्शन बता रहे हैं किस डायरेक्शन में हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हेलिकल, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हेलिकल। बन गई। एक बार आप काम रोक के बोर्ड पे देखना, क्या ये बैकबोन ऑफ प्रोटीन है। हाँ हाँ बिल्कुल, अमीनो एसिड की श्रृंखला ही बैकबोन ऑफ प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन की आधारभूत श्रृंखला है। अगर ये आधारभूत श्रृंखला अपने आप को आड़ा तिरछा काटती है तो ये क्या बन गई, टर्शियरी स्ट्रक्चर। देख के नहीं बनाइएगा, आप अपना पेन लीजिएगा और देखो बोर्ड पे, ठीक है ना, क्या करना है, आड़ा तिरछा, समझ गए, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, समझ गए ना। तो ये एन है और ये सी है। फास्ट बनाओ, बचपन में चले जाओ, आपने जब सबसे पहले पेन चौक बर्ता जो भी उठाया, कुछ बच्चे जानते हैं, व्हाइट कलर की, बच्चों में कोई कैल्शियम की कमी नहीं रहती थी, खाते रहते थे चौक वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो सबसे पहले आपने बचपन में जब वो उठाया तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ही बनाई थी, और जब आपने खाना वाना खा रखा था तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ओज ऐसे, ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, समझ आ गई बात। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, वो क्वार्टनरी है, ये टर्शियरी, हाँ इसके भी एंड तो होंगे लेकिन डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, मैं तो खुद भूल गया शुरू कहां से किया था चलो यहां से शुरू कर लेते हैं ऐसे। तो ये एन और ये सी, ये शुरुआत और ये खत्म, ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, हो गया ना क्लियर। यस। तो उसी समय पता चल गया था घर वालों को, ये लड़की डॉक्टर बनेगी, इसने तो सबसे पहले प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर बना डाली। हाँ? तो ये क्वार्टनरी है, वो टर्शियरी। जो मोबाइल का ईयरफोन है ना, वो भी जब सुन रहे होते हैं गाने तब इस कंडीशन में, थोड़ी देर बाद में इस कंडीशन में, और जब आप उसको पॉकेट वगैरह में रखते हैं तो जिस कंडीशन में आप उसे निकालते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ज्यादा उलझ गया तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, समझ आ गई बात। तो ये हर समय आपके सामने रहती है स्ट्रक्चर। चलिए एक बार
दोनों बातें देख लो, पहला पॉइंट एक बार देख लो, वापस रिवाइज करो। पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, कुछ आरएनए एंजाइम होते हैं यानी राइबोजाइम कहते हैं, वो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, जैसे L19 आरएनए जो राइबोन्यूक्लियस 3। फिर क्या पढ़ा हमने, ज्यादातर एंजाइम अमीनो अम्लों के बहुलक है क्योंकि ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन है और ये कोलाइडी प्रकृति के हैं और इनका संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा आनुवंशिक नियंत्रण में होता है। फिर एंजाइम को आप पंक्ति आरेख के द्वारा दर्शा सकते हैं जो कि चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है और प्रोटीन की भांति एंजाइम की चार संरचनाएं होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब अमीनो अम्लों का अनुक्रम, सेकेंडरी हेलिकल, इन दोनों में एक्टिव साइट नहीं होती है। नंबर 3 टर्शरी स्ट्रक्चर, इसमें एक्टिव साइट होते हैं। बने कैसे, प्रोटीन की आधारभूत श्रृंखला आड़ा तिरछा काटती है जिसके फलस्वरूप अनेक कोटरिकाओं का निर्माण हो जाता है और ये कोटरिकाएं एक्टिव साइट कहलाती है। यहाँ आकर सबस्ट्रेट जुड़ता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है और एंजाइम उसका उत्प्रेरण करके उसको उत्पाद में बदल देता है, उत्पाद में बदल देता है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर और ज्यादा फोल्डेड होती है, इसमें भी एक्टिव साइट पाई जाती है। अब कंक्लूजन ये बताओ मुझे कि कोशिका द्रव्य में या कोशिका में ज्यादातर एंजाइम किस रूप में पाए जाते हैं, टर्शरी के रूप में और ग्लोबुलर, और ग्लोबुलर गोलाकार शेप देखेंगे तो गोलाकार लिखिए आप एक लाइन। कोशिका द्रव्य में ज्यादातर एंजाइम, कोशिका द्रव्य में ज्यादातर एंजाइम, अरे ऑनलाइन वालों आपको दिख रहा है तुमसे सारी बात है, बोर्ड पे दिख रही है ना, देख पूरी मैंने लाइन डाल दी है वहां से आगे नहीं बढ़ता। सो गए या सुन रहे हो, नींद आ गई है इनको, लड़कियां तो ना देखती कोई ज्यादा, चित्रा एक तो लड़कियां ऑफर का फायदा उठाने में। सो ना जाइयो, पढ़ के मैं कैमरा ऑन करवा लूंगा बीच में, किस हालात में बैठे हो, यूनिफॉर्म पहन के एकदम बढ़िया चक रह के बैठ के देखियो, फिर लीजियो पूरी। हाँ दिख रहा है ना, दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा, चलिए बोर हो गए होंगे बातचीत कर लेना उनसे भी। तो ये हो गया, क्या लिखा आपने, कोशिका द्रव्य में ज्यादातर एंजाइम तृतीयक, ज्यादातर एंजाइम तृतीयक संरचना रखते हैं, तृतीयक संरचना रखते हैं तथा ये गोलाकार होते हैं, तृतीयक संरचना रखते हैं तथा ये गोलाकार होते हैं। कोशिका द्रव्य में ज्यादातर एंजाइम तृतीयक संरचना रखते हैं तथा ये गोलाकार होते हैं, ग्लोबुलर, डन। क्योंकि एंजाइम को तो कैटालिटिक रोल प्ले करना है और उसके लिए उसकी स्ट्रक्चर टर्शरी होनी चाहिए और ग्लोबुलर हो गई, डन। आगे देखो क्या बात है नेक्स्ट, अगली बात यह है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, इससे कम टर्शरी, इससे कम सेकेंडरी, इससे कम प्राइमरी। देखो स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम वन से सेकेंडरी ज्यादा है, सेकेंडरी से टर्शरी ज्यादा है और टर्शरी से क्वार्टनरी ज्यादा है। तो जैसे जैसे प्राइमरी से क्वार्टनरी की तरफ जाएंगे स्थायित्व बढ़ता जाएगा, स्थायित्व बढ़ता जाएगा, डन। अगली बात जानिए क्या है कि अगर एक मिनट, अगर एंजाइम प्रोटीन है तो प्रोटीन की भांति इनकी जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो तापमान के प्रति संवेदनशील होगी, कम तापमान पर निष्क्रिय और उच्च तापमान पर निष्क्रिय, ये विकृत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विकृत, डीनेचर हो जाएंगे। लिखो अगला फीचर, एंजाइम तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, अगला पॉइंट है एंजाइम तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होते हैं नेक्स्ट बात करते हैं आगे, देखते क्या है। अगर एंजाइम को कोशिका से पृथक कर लिया जाए
तो क्या उसकी उत्प्रेरण क्षमता अपरिवर्तित रहेगी या परिवर्तित हो जाएगी? अपरिवर्तित रहेगी। जैसे रेनिन एंजाइम को बछड़े के अमाशय से प्राप्त किया जाता है, और रेनिन एंजाइम जो काम बछड़े के अमाशय में करता है वही काम डेयरी इंडस्ट्री में दूध को पनीर में कन्वर्ट करने में किया जाता है। तो इसका मतलब कोई भी, जैसे डिटर्जेंट्स आते हैं ना, तो डिटर्जेंट्स आते हैं इनमें आजकल एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट्स आते हैं। अरे आजकल जो डिटर्जेंट आते हैं वो एंजाइम बेस्ड आते हैं, यानी इनमें एंजाइम के ग्रेन्यूल्स होते हैं और कोई दाग धब्बे हैं जैसे प्रोटीन का, लिपिड का यानी तेल का, या कोई स्टार्च का, तो उसको एंजाइम डिसॉल्व कर देता है। उस वाले में तो कपड़े खराब हो जाएंगे, महंगे महंगे डिजाइनर था। तो इसलिए अगर आपने कोई जल्दबाजी में कुछ खाया और कोई दाग धब्बा लग गया, तो उसको हटाने के लिए जो मॉडर्न डिटर्जेंट्स हैं जो आसानी से धुलाई कर देते हैं कपड़ों की, उनमें क्या डाल दिए? एंजाइम्स। तो वो एंजाइम जैसे शरीर के अंदर काम कर रहा था वैसे ही शरीर के बाहर काम कर रहा है। तो ये इनके एप्लीकेशन है। अगर आपको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम चाहिए तो आप लिविंग सिस्टम से तो ऑब्टेन करोगे सेल्यूलेज और पेक्टिनेज। तो जो काम वो सेल्यूलोज और पेक्टिन को डाइजेस्ट करने का काम सेल के अंदर कर रहा था, बॉडी के अंदर कर रहा था, वही काम वो बॉडी के बाहर कर रहा है। यानी एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता अगर आप समान तापमान, समान पीएच और समान क्रियाधार की सांद्रता दोगे तो परिवर्तित नहीं होगी। देखिए आप एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता, हाँ अगला पॉइंट, एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता, एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता कोशिका के बाहर अपरिवर्तित रहती है, कोशिका के बाहर अपरिवर्तित रहती है, कोशिका के बाहर अपरिवर्तित रहती है, कोशिका के बाहर अपरिवर्तित रहती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब अगर आप समान कंडीशन दोगे तो एंजाइम उसी तरीके से काम करेगा जैसे वो कोशिका के अंदर काम करता है। नेक्स्ट फीचर लिखिए, लिखने से पहले सुनो, जो एंजाइम कोशिका के अंदर कार्य करते हैं उन्हें एंडो एंजाइम, और जो कोशिका के बाहर कार्य करते हैं वो एक्सो एंजाइम कहलाते हैं। लिखवा, जो एंजाइम कोशिका के अंदर कार्य करते हैं उन्हें अंतः एंजाइम, जो एंजाइम कोशिका के अंदर कार्य करते हैं, जो एंजाइम कोशिका के अंदर कार्य करते हैं उन्हें एंडो एंजाइम, उन्हें एंडो एंजाइम हिंदी में बोलते हैं, अंतः एंजाइम कहते हैं। जैसे श्वसन के एंजाइम, जैसे श्वसन के एंजाइम, श्वसन तो कोशिका के अंदर ही होगा ना, जैसे श्वसन के एंजाइम, जैसे श्वसन के एंजाइम, एक लाइन लिखनी है आपको यहां पे कि 70% अंतः एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। सेल के 70% एंडो एंजाइम कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लिखिए आप कोशिका के 70%, इसी फीचर में लिखो, कोशिका के 70% अंतः एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका के 70% एंडो एंजाइम, 70% एंडो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर एक्सो एंजाइम के बारे में, जो एंजाइम कोशिका के बाहर क्रियाशील रहता है वो एक्सो एंजाइम कहलाता है। लिखो आप नेक्स्ट फीचर, जो एंजाइम, जो एंजाइम, जो एंजाइम कोशिका के बाहर कार्य करता है, जो एंजाइम कोशिका के बाहर कार्य करता है एक्सो एंजाइम कहलाता है, एक्सो एंजाइम कहलाता है। जैसे पाचन के एंजाइम, जैसे पाचन के एंजाइम, लिखो जैसे पाचन के एंजाइम,
जैसे पाचन के एंजाइम, जैसे पाचन के एंजाइम। देखो क्या है, ध्यान से सुनना बात को, डाउट रहेगा आपको आगे। ये पाचन के एंजाइम ज्यादातर कोशिका से बाहर कार्य करते हैं। हाँ, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन भी होता है लेकिन बहुत कम। जैसे हम अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग्स की या एनिमल्स की, तो कोशिकाएं अपने पाचक रस को आहार नाल में डालती है, तब भी वो कोशिका के बाहर है। सूक्ष्म जीवों की बात करें, जीवाणु और कवकों की, तो वो अपने पाचक रस को कोशिका से भी बाहर और शरीर से भी बाहर डालते हैं। तो सब में कोशिका के तो बाहर ही हो गए, और उनके अंदर शरीर से भी बाहर, हमारे अंदर कोशिका से बाहर लेकिन शरीर के अंदर। हम यहां बात करें कोशिका के बाहर, उसमें तो सारे एंजाइम आ जाएंगे। तो पाचन के एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, कोशिका से बाहर कार्य करते हैं। क्या लिखा आपने, जो एंजाइम कोशिका के बाहर कार्य करता है उसे एक जो एंजाइम कहते हैं, जैसे पाचन के एंजाइम। हमारे अंदर पाचन के एंजाइम कोशिका से बाहर लेकिन शरीर के अंदर, और उनमें सूक्ष्म जीवों में कोशिका के भी बाहर और शरीर के भी बाहर, क्योंकि वो पचाने का काम शरीर से बाहर करते हैं, फिर पचित भोजन का ही अवशोषण करते हैं। ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं। डन। नेक्स्ट, अगर एंजाइम काम नहीं आ रहा है, अगर एंजाइम काम नहीं आ रहा है तो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। समझ आती बात भाई, मैं जब पढ़ा नहीं रहा हूं तो जब भी थोड़ी मैं खड़ा रहूं, बैठ सकता हूं। समझ आई बात, तो आराम से इतना अटेंटिव रहने की मुझे जरूरत नहीं रहेगी, मैं आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ, पांव पे पांव रख के एकदम। तो वैसे ही एंजाइम है, अगर वो काम नहीं कर रहा होता है तो वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। जैसे पेप्सिन की निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन की ट्रिप्सिनोजन, अभी भी यही है ना। हाँ, पेप्सिनोजन HCl के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब काम नहीं करेगा तो वापिस अपना पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखवा, एंजाइम जब कार्य नहीं करते हैं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम जब कार्य नहीं करते हैं, अरे तुम लोग भी लिख रहे हो ना ऑनलाइन में ओ टेक्स्ट कर दियो जवाब इसमें, हाँ लिखते रहे ना भाई, ऐसा नहीं पूरा ही आराम पे आ जाओ, मैं बाद में डाउट वाउट नहीं बताऊंगा, तो लिख लेना। ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, तो जो कुछ है लाइव ही मिलेगा, तो नोट्स लिखते रहना आप। हाँ, तुम लोगों का तो लिखा हुआ है लेकिन जिनका नहीं लिखा हुआ वो लिख लेना। तो चलिए करते हैं आगे बात। क्या लिखा आपने एंजाइम जब कार्य नहीं करते हैं तब निष्क्रिय अवस्था दर्शाते हैं, तब निष्क्रिय अवस्था दर्शाते हैं जिसे जाइमोजन अथवा प्रो एंजाइम कहते हैं, जिसे जाइमोजन अथवा प्रो एंजाइम कहते हैं, जिसे जाइमोजन अथवा प्रो एंजाइम कहते हैं। जिसे जाइमोजन अथवा प्रो एंजाइम कहते हैं। अगली बात जानिए क्या है, एंजाइम की मात्रा क्रियाधार की तुलना में बहुत कम होती है, जैसे 1:1,00,000, यानी 1 एंजाइम का अणु और 1,00,000 क्रियाधार के अणु, क्योंकि एंजाइम रीयूज होता रहता है, एंजाइम रीयूज होता रहता है। तो अगर अभिक्रिया के दौरान एंजाइम और क्रियाधार की सांद्रता की तुलना करें तो एंजाइम की मात्रा बहुत ही कम होती है और क्रियाधार की बहुत ज्यादा होती है। देखो आप, एंजाइम की मात्रा क्रियाधार की तुलना में, नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम की मात्रा क्रियाधार की तुलना में काफी कम होती है, क्रियाधार की तुलना में काफी कम होती है। जैसे 1:1,00,000, जैसे लिखो, जैसे 1:1,00,000, 1:1,00,000 भी हो सकती है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे 1:1,00,000, क्या एंजाइम विशिष्ट होते हैं? यस, क्रियाधार के लिए भी और अभिक्रिया के लिए भी।
कोशिका में सारे एंजाइम एक साथ पड़े हैं, लेकिन जो एंजाइम जहां जुड़ना है वहीं जुड़ता है और कहीं नहीं जुड़ता। लिखिए आप नेक्स्ट पिक्चर। एंजाइम क्रियाधार तथा अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। एंजाइम क्रियाधार तथा अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। क्रियाधार तथा अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन का एंजाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीहाइड्रोजिनेशन का एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज डीहाइड्रोजिनेज होता है। तो एंजाइम क्रियाधार तथा अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। डन। लास्ट फीचर ध्यान से सुनना जी। एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता दो बातों पर निर्भर करती है। कितनी? दो बातों पर। एक है टर्नओवर नंबर और दूसरा है केएम वैल्यू। लिखो आप एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता। अगला फीचर लिखो। एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता दो बातों पर निर्भर करती है। दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात लिखिएगा टर्न ओवर नंबर। एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता दो बातों पर निर्भर करती है। पहला हेडिंग कर लो टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर क्या है लड़कियों? टर्न ओवर नंबर क्रियाधार अणुओं की वह संख्या जो एक एंजाइम के द्वारा निश्चित समय में उत्पाद में बदल दी जाती है टर्नओवर संख्या कहलाती है। क्या बोला मैंने? क्रियाधार अणुओं की वह संख्या जो एक एंजाइम के द्वारा निश्चित समय में उत्पाद में बदल दी जाती है। समय निश्चित है, एंजाइम एक है और टर्नओवर नंबर है क्रियाधार अणुओं की संख्या। लिखो क्रियाधार अणुओं की वह संख्या। क्रियाधार अणुओं की वह संख्या। क्रियाधार अणुओं की वह संख्या जो एक एंजाइम के द्वारा क्रियाधार अणुओं की वह संख्या जो एक एंजाइम के द्वारा निश्चित समय में, इकाई समय भी कह सकते हैं, निश्चित समय में उत्पाद में बदल दी जाती है। निश्चित समय में उत्पाद में बदल दी जाती है। उत्पाद में बदल दी जाती है टर्नओवर संख्या कहलाती है। टर्नओवर संख्या कहलाती है। टर्नओवर संख्या कहलाती है। कुछ एग्जांपल लिखो। एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए 6 लाख प्रति सेकंड। हमने लिखा है 360 लाख प्रति मिनट, एक ही बात है। तो लिखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस 360 लाख प्रति मिनट और इसके ब्रैकेट में लिख देना फास्टेस्ट एंजाइम। सही बात है, ये सबसे तेज तरार एंजाइम है जो एक मिनट में 360 लाख, समझ गए, 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लगभग, तो इतने सारे क्रियाधार को इसमें बदल देता है, उत्पाद में बदल देता है। इसके बाद में लिखो आप केटालेज। केटालेज का होता है 50 लाख प्रति मिनट, 50 लाख प्रति मिनट। फिर है फ्लेवोप्रोटीन, और फ्लेवोप्रोटीन की होती है 50 प्रति मिनट, 50 प्रति मिनट। फिर है लाइसोजाइम, कितनी? 30 प्रति मिनट, 30 प्रति मिनट। ये चारों एग्जांपल लिखो। पहले दो इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस 360 लाख प्रति मिनट, फास्टेस्ट एंजाइम में केटालेज 50 लाख प्रति मिनट, फ्लेवोप्रोटीन 50 प्रति मिनट, लाइसोजाइम 30 प्रति मिनट, 30 प्रति मिनट।
हो गया, कर दो लिखता लो देखो। तो कंक्लूजन क्या निकला, एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता टर्नओवर संख्या के प्रत्येक समानुपाती है, जितनी ज्यादा टर्नओवर संख्या मतलब एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता उतनी ज्यादा है, केवल 50 प्रति मिनट, लाइसोजाइम 30 प्रति मिनट के 50 लाख प्रति मिनट। डन। तो इसका कंक्लूजन एक लाइन में लिख दो, अतः एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता टर्नओवर संख्या के प्रत्येक समानुपाती होती है, अतः एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता टर्नओवर संख्या के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। टर्नओवर संख्या के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। डन। दूसरी बात क्या होती है, केएम मान। दूसरी बात क्या है, केएम मान। तो सेकंड लिखो केएम मान, केएम वैल्यू, केएम मान लिखिएगा, देखें केएम मान लिख दो, केएम वैल्यू। शुरू करें, पहले समझ लो क्रियाधार अणुओं की वह सांद्रता जिस पर अभिक्रिया का वेग अधिकतम वेग का आधा हो जाए वो केएम मान है। तो ये जितना जल्दी होगा एंजाइम उतना ही फास्ट है, और जितना देरी से होगा एंजाइम उतना ही स्लो है। डन। लिखो क्रियाधार अणुओं की वह सांद्रता, क्रियाधार अणुओं की वह सांद्रता क्रियाधार अणुओं की वह सांद्रता जहां अभिक्रिया का वेग अधिकतम वेग का आधा हो जाता है, जहां अभिक्रिया का वेग अधिकतम वेग का आधा हो जाता है, जहां अभिक्रिया का वेग अधिकतम वेग का आधा हो जाता है, केएम मान कहलाता है। केएम मान कहलाता है। केएम मान कहलाता है। कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती। लिखो आप, एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता केएम मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, केएम मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। केएम मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, आप फिर समझाता हूं। अभी 36 थे, पहले 32 हुए, 30 अब 24 गए। अरे अब आ रही है आवाज, नहीं जब मतलब ऑफलाइन बंदी हो जाता तो देखो कोई उपाय, जब तक चल रहा है तब तक तो इसी फैसिलिटी का फायदा उठाओ ना। बाकी तो जब उठते हैं तो मन तो किसी का नहीं होता है कि अरे यार उठना पड़ रहा है, मतलब जबरदस्ती इच्छाओं को मार के साहसिक गतिविधि है सुबह उठकर आना फिर, लेकिन ठीक है आगे तो उसके बाद में सब चीजें ठीक हो जाती है। सर्दी रजाई नहीं लगती है, आप
काम पे आ गए ना फिर नहीं लगती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए ये 2-3 साल तो डिस्कम्फर्ट होना ही पड़ेगा भाई, या फिर पूरी लाइफ डिस्कम्फर्ट हो जाऊं, समझ गए ना? तो इसलिए थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा। बना दिया, बोर्ड पर देख लिया, हमने वेलोसिटी को प्लॉट किया है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अगेंस्ट। क्या किया है? वेलोसिटी को यानी अभिक्रिया के वेग को क्रियाधार की सांद्रता के अगेंस्ट आरेखित किया है। जैसे जैसे हम क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है और वो एक जगह जाकर मैक्सिमाइज हो गया, यानी वी मैक्सिमम आ गया, उसके बाद वेग नहीं बढ़ रहा। अब देखो क्या है, ये वी मैक्सिमम है, ये हाफ वी मैक्सिमम है। तो क्रियाधार अणुओं की वह सांद्रता जहां हाफ वी मैक्सिमम ऑप्टेन हुआ, अचीव हुआ, उसको क्या कहते हैं? केएम मान कहते हैं। क्या कहते हैं? केएम मान। आप लोग मत करना, केवल देखना इसको। जैसे एक और अभिक्रिया है और उसके लिए ये ऐसे बने, तो उस केस में क्या होगा कि वी मैक्स तो उतना ही है, वी मैक्स तो उतना ही है, लेकिन केएम का मान बढ़ जाएगा, यानी वो एंजाइम स्लो है, वो एंजाइम स्लो है। अरे कोटा से जयपुर की डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, मिड पॉइंट 125 किलोमीटर। दो ड्राइवर ने कार को ड्राइव करना शुरू किया और 125 किलोमीटर पर एक ड्राइवर ने 2 घंटे का टाइम लिया पहुंचने में और एक ने 1.5 घंटे का टाइम लिया। कितना? 1.5 घंटे का टाइम लिया, 1 घंटे 30 मिनट का, एक ने 2 घंटे का टाइम लिया। तो डिस्टेंस तो दोनों ने बराबर ही ट्रेवल करी है, वी मैक्स तो दोनों का सेम ही है, लेकिन जल्दी अचीव किसने किया? जिसने 1.5 घंटे में गाड़ी पहुंचाई। इसका मतलब वो फास्ट ड्राइवर है, वो फास्ट ड्राइवर है। तो सेम ऐसे ही रूबिस्को और पेपकेस, जो उदाहरण मैंने वहां आपको दिया था, रूबिस्को और पेपकेस दोनों सीओटू को फिक्स करने का काम करते हैं, लेकिन रूबिस्को स्लो है, पेपकेस फास्ट है। वायुमंडल में 360 माइक्रोलीटर पर लीटर सांद्रता में C4 पादप दुगने से ज्यादा C3 से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और C3 पादप 450 माइक्रोलीटर पर लीटर डिमांड रखते हैं, जबकि काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है। इसका मतलब एक एंजाइम ज्यादा फास्ट है, एक एंजाइम स्लो है, बात समझ आई? और ये कारण भी हमने लिखा था, पेपकेस की दक्षता, C4 के ज्यादा प्रोडक्टिव होने का कारण पेपकेस की दक्षता है। पेपकेस ज्यादा दक्ष है किसके कंपैरिजन में? रूबिस्को, क्योंकि उसका केएम मान रूबिस्को के कंपैरिजन में कम है। तो केएम जब कम होगा तो एंजाइम फास्ट होगा, केएम ज्यादा होगा तो एंजाइम स्लो होगा। तो यानी कंक्लूजन ये है कि एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता टर्नओवर संख्या के प्रत्येक समानुपाती और केएम मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और टर्नओवर संख्या क्या है? क्रियाधार अणुओं की वह संख्या जिसे एक एंजाइम निश्चित समय में उत्पाद में बदल देता है। और केएम मान क्या है? क्रियाधार अणुओं की वह सांद्रता जहां अभिक्रिया का वेग अधिकतम वेग का आधा हो जाता है। देन दैट्स इट। चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गया। अब आप जैसे एक मुद्दा डिस्कस करेंगे हम लोग, वो ये है कि अनुत्प्रेरित अभिक्रिया की तुलना अगर उत्प्रेरित अभिक्रिया से करें तो उनमें क्या फर्क देखने को मिलेगा। करें हेडिंग, देखो आप हेडिंग करो, इतने में मैं ये क्लीन करता हूँ। अनुत्प्रेरित अभिक्रिया तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया, हेडिंग करो अनुत्प्रेरित अभिक्रिया तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया। अन उत्प्रेरित अभिक्रिया तथा उत्प्रेरित अभिक्रिया, अनकेटेलाइज्ड रिएक्शन वर्सेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। अभी यही मतलब प्रोजेक्टर की जगह यही मेथड ठीक है ना? ये थोड़ा बोरिंग है लेकिन स्थायित्व इसका लंबे समय तक रहेगा।
बात समझ आ गई? हाँ, इसका जो स्टेबिलिटी है ना वो लंबे टाइम तक रहेगी। मैं आज चेक करूंगा, टाइम मिलेगा मुझे थोड़ा, इसी सेट पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कौन कौन से बच्चों ने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं और कितने परसेंट में, क्योंकि तो पुराना टॉपिक है बायो में जो खेल है ना सारा, वो डिवीजन का है। साथ साथ में तो बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा कर लेते हैं, लेकिन पुराने टॉपिक को कितना नट शेल में माचिस के डिब्बे में आपने समेट रखा है। मैंने कई बार आपको तरीका बताया है कि आपका रिविजन फास्ट होना चाहिए, तो उस तरीके से आप रिविजन कर पाते हैं। इस स्टेज पर आकर आपको बिल्कुल मेरी ही तरह एक अंदाजा लग जाता है कि अच्छा ये लाइन क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या ऐसा लगना शुरू हुआ आपको अंदाजा कि एग्जाम्पल बन रहे हैं, इस बात से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहा है? अरे होता ही है, नब्ज पकड़ना कहते हैं ना एग्जाम की, वो यही होती है कि सिम्टम पता कर लेना कि यार ये तो इस चीज से क्वेश्चन आता ही आता है, इस चीज से क्वेश्चन आता ही है, केम मान पे क्वेश्चन आता है, टर्नओवर संकट पे क्वेश्चन आता है, तो बाकी बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि आप 0% मेमोरी पे आ जाते हैं, आप या तो खिसक के आते हैं 60 पे या 70 पे, तो आपको वो जो 40% 50% का मार्जिन है ना, 30% का जो आपको लग रहा है थोड़ा जेपराइज हुआ है, उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो फास्ट रिविजन की आदत डालिए, तो समय निकालोगे तो निकल जाएगा, मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, पुराने टॉपिक को पढ़ना चालू करना क्योंकि लगभग कंप्लीशन पे आ गए हम, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा उस पार्ट को आप अच्छे से करना। 10-12 कितने हमने एंजाइम की प्रॉपर्टी पढ़ी, बहुत इजीली मैं आपको बता सकता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे तो एकदम पूछते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में अंदाजा लग जाता है और चीजें। ज्यादातर बच्चे एवरेज से होते हैं, ज्यादातर आप में से एवरेज से होते हैं, बात मानते हो ना इसको? और आप अपने आप को उसी कैटेगरी में रखिए, ठीक है? और उस एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आइए। शर्म के मारे कह नहीं पाते हैं कि नहीं, मतलब आप बोल दिया करें, बिल्कुल समझ आ गई बात। मैं भी कई बार कोई चीज फास्ट बता देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा होगा कि सप्ताह भर ज्यादा लग जाए, इससे ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई। वो आपने कभी ट्रेवल किया हो तो अगर रिस्क की ड्राइविंग करते हैं और एकदम सेफ ड्राइविंग करते हैं तो 200 किलोमीटर में 20 मिनट का फर्क पड़ता है, एकदम मतलब जान को जोखिम में डाल के एकदम घातक वाले ओवरटेक कर रहे हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो उसमें मैंने कई बार चला के देखा, मैं जब चलाता हूँ गाड़ी तो मैंने कई बार देखा, बाद में मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को ऑप्टिमाइज किया कि इससे तो मतलब थोड़ा सा गलत है ये, ठीक अपनाना नहीं चाहिए, तो वो धीरे धीरे लास्ट में जाके कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। तो मान लो लास्ट में जाके हम एक वीक लेट कंप्लीट करते हैं तो कौन सा कोई पार्ट टूट जाएगा, और एक वीक पहले करके अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बेटर है कि एक वीक लेट चलना सही रहेगा। बात समझ आए? रिविजन को टाइम देना। कोई एक टॉपिक उठा लो, इकोलॉजी हो रखा है, सेल बायोलॉजी हो रखा है, और उसको आप सिक्वेंस कर लीजिए, करिए आप 1 घंटे ही पढ़िए डन। आपको बहुत सारी चीजें मैं पूछता हूँ तब आप बताते ही हैं, नहीं बताते हैं क्या? और कौन बता रहा है? बाहर से आके थोड़ी बता रहे, आप देख के थोड़ी बता रहे। मैं कुछ भी पूछना चालू करूँ आपके आंसर आ, मैं भी आपको कहूं कि लेप्टोटिन अवस्था में क्या होता है, हाँ गुणसूत्रों का संघनन चालू होता है, गुणसूत्रों का संघनन चालू होता है, उनके सिरे तो दिखते नहीं है लेकिन संघनन होना चालू हो जाता है। जाइगोटिन में युग्मन होता है, सिनेप्सिस क्या बनता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। होमोलोगस पेयर समझात गुणसूत्रों का युग्मन होता है ना, और अब सिरे भी दिखने लग जाते हैं। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे, कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज, कौन से दो एंजाइम है उसमें, एंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज, तो एंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज उसमें दोनों एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज कट करने का काम करेगा, लाइगेज जोड़ने का काम करेगा, हो गया रिकॉम्बिनेशन डन। इसके बाद क्या आता है, डिप्लोटीन यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व होना शुरू हो जाता है और डिप्लोटीन में पूरी तरह से घुल जाता है, डिप्लोटीन में पूरी तरह से घुल जाता है और वहां पर खाली एक्स जैसी स्ट्रक्चर रह जाती है, नाम काईएजमेटा, नाम काईएजमेटा। और काईएजमेटा कब सिरों पर खिसकते हैं, डाइकाइनेसिस में, क्या थी,
डाइकाइनेसिस में, प्रक्रिया का नाम उपांति भवन, उपांति भवन, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन यही बोलते हैं। और यहां तक आते आते जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे, तब तो दिया सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है मियोसिस वन का प्रोफेज वन। तो बिलीव करिए आप अपने अंदर आता है आपको, आप रिविजन की आदत डालिए, मैकेनिज्म बिगड़ जाएगी इसके बिना, एग्रीकर हाँ, तो इसको थोड़ा आदत में लाइए। तो करें आगे बात, अनकैटलाइज रिएक्शन वर्सेस कैटलाइज रिएक्शन, CO2 plus H2O, और क्या बनाता है ये H2CO3, बहुत फेमस रिएक्शन है, कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। दो कंडीशन लिखेंगे, अगर ये अनकैटलाइज्ड है, अगर ये अनकैटलाइज्ड है, एक तो कंडीशन हो गई ए, दूसरी कंडीशन हो गई बी, अगर ये अनकैटलाइज्ड है तो प्रति घंटे 200 अणुओं का निर्माण होगा, और अगर ये कैटलाइज्ड है तो फिर एक सेकंड में 6 लाख क्रियाधार उत्पाद में बदलते हैं। लिखो आप अभी क्या लिख लिखे करो करो लिखो इसको, मैं संभाल लू थोड़ा। एक और कम हो गया, चलो ठीक है, जो जैसे ले। अरे जगह भी हो ना तुम ऑनलाइन वाले, अभी मैंने रिविजन करवाया था मियोसिस वन की प्रोफेज वन का, कुछ समझ आया आपको लोगों को, पढ़ा हुआ है तुम लोगों का भी। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलो डन कर दिया, अब देखो क्या लिखो, एक कंडीशन लिखो सबसे पहले, और मान लो कि एक कंडीशन कैसी है अनकैटलाइज्ड, लिखो आप, यदि यह अभिक्रिया एंजाइम की अनुपस्थिति में होती है, यदि यह अभिक्रिया एंजाइम की अनुपस्थिति में होती है तो प्रति घंटे क्रियाधार के 200 अणु उत्पाद में बदलते हैं, तो प्रति घंटे पर आर, तो प्रति घंटे क्रियाधार के 200 अणु उत्पाद में बदलते हैं, 200 मॉलिक्यूल। लिखो आप, यदि यह अभिक्रिया एंजाइम की अनुपस्थिति में होती है तो प्रति घंटे क्रियाधार के 200 अणु उत्पाद में बदलते हैं, लिख दिया। दूसरी कंडीशन लिखो बी वाली, यदि एंजाइम की उपस्थिति में होती है, यदि एंजाइम की उपस्थिति में होती है तो क्रियाधार के 6 लाख अणु प्रति सेकंड उत्पाद में बदलते हैं, यदि एंजाइम की उपस्थिति में होती है तो क्रियाधार के 6 लाख अणु, यदि एंजाइम की उपस्थिति में होती है तो क्रियाधार के 6 लाख अणु प्रति सेकंड उत्पाद में बदलते हैं, प्रति सेकंड, यहां प्रति सेकंड उत्पाद में बदलते हैं, प्रति सेकंड उत्पाद में बदलते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया का एंजाइम कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, जो कि फास्टेस्ट एंजाइम है। तो निष्कर्ष ये निकला कि एंजाइम की उपस्थिति अभिक्रिया की दर को 1 करोड़ गुना तक बढ़ा सकता है, आपके हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 10 लाख, गलत है, 10 मिलियन लिखा हुआ है अंग्रेजी में, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ लिखिए, अतः नहीं अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तब भी 1 करोड़ जाता है, लिखो, अतः एंजाइम की उपस्थिति, अतः एंजाइम की उपस्थिति अभिक्रिया की दर को 1 करोड़ गुना तक बढ़ा सकती है,
पता है एंजाइम की उपस्थिति अभिक्रिया की दर को 1 करोड़ गुना तक बढ़ा सकती है। अभिक्रिया की दर को 1 करोड़ गुना तक बढ़ा सकती है, 1 करोड़ गुना तक बढ़ा सकती है। डन। तो ये एंजाइम का रोल है, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है और अभिक्रिया की दर को कई गुना कर देता है। एंजाइम के बिना भी अभिक्रिया होती है, लेकिन तब दर बहुत कम हो जाएगी। तो अगर हम फास्ट चाहते हैं तो हमें क्या चाहिएगा? एंजाइम चाहिए। डन। हेडिंग करूं, हेडिंग में लिखो आप, एंजाइम किस प्रकार रासायनिक रूपांतरण की उच्च दर लाते हैं? एंजाइम किस प्रकार रासायनिक रूपांतरण की, एंजाइम किस प्रकार रासायनिक रूपांतरण की उच्च दर लाते हैं? उच्च दर लाते हैं। रासायनिक रूपांतरण की उच्च दर लाते हैं। डन। एक ग्राफ ड्रॉ करिए। दो अलग अलग सक्रियण ऊर्जा के मान हैं, एक है एंजाइम की उपस्थिति में और एक है एंजाइम की अनुपस्थिति में। अभिक्रिया क्या है? सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, एक स्थायी क्रियाधार को स्थायी उत्पाद में बदल देना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। डन। और इस दौरान क्रियाधार एक उच्च ऊर्जा अवस्था से होकर गुजरता है, जिसको संक्रमण अवस्था कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। डन। ये बना दीजिए, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, ये है एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, और ये है एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। और ट्रांजिशन स्टेट में जो भी परिवर्तन होंगे वो क्षणिक और अस्थायी होते हैं, अस्थायी तथा क्षणिक, अस्थायी तथा क्षणिक होते हैं। देखो क्या है, आप ये भी याद रखेंगे कि यहां पर क्या प्लॉट किया गया है, वाई एक्सिस पे क्या रखा गया है, पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा। तो यहां पे है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे क्या रखा गया है बताओ, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछ लिया गया था, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। पोटेंशियल एनर्जी को विभव ऊर्जा कहते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति। कर दिया। डायग्राम बन गया हो तो बताओ, समझाना शुरू करो। चलो बनाओ बनाओ। बोर्ड पे देखो सभी,
हमने पोटेंशियल एनर्जी को प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ प्लॉट किया है, आरेखित किया है, बेल शेप कर्व लगभग आ रहा है। अब यहाँ क्या देखना है आपको कि अगर आप ये कन्वर्जन एक स्थाई सबस्ट्रेट का स्थाई प्रोडक्ट में कन्वर्जन एंजाइम की अनुपस्थिति में करते हैं तो जो एनर्जी बैरियर है वो ज्यादा बड़ा होगा, और अगर ये काम एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो ये काम आसानी से होगा, सबस्ट्रेट इजीली प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। डन। जितना एंजाइम ज्यादा फास्ट होगा उतना ही ये काम आसानी से होगा और फास्ट होगा। डन। अब देखो क्या है कि जब एक स्थाई सबस्ट्रेट स्थाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो एक अवस्था से गुजरता है जिसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। डन। ये ट्रांजिशन स्टेट अस्थिर होती है और क्षणिक होती है, अस्थाई होती है और क्षणिक। जो भी इस दौरान परिवर्तन होंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये क्षणिक होंगे और अस्थाई होंगे। स्थाई है सबस्ट्रेट और स्थाई है प्रोडक्ट, तो एक स्थाई सबस्ट्रेट को स्थाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस अवस्था से होकर गुजारा जाता है। अब मुझे आप ये बताओ कि यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी? उष्मा क्षेपी। सब जानते हैं क्या करना होता है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी को कंपेयर करना होता है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट की एनर्जी से कम है तो एक्सोथर्मिक, और अगर उल्टा होता तो एंडोथर्मिक। चाहे अभिक्रिया उष्मा शोषी हो चाहे अभिक्रिया उष्मा क्षेपी हो, सबस्ट्रेट को एनर्जी बैरियर क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर उष्मा शोषी है तो एनर्जी बैरियर बड़ा होगा, और अगर उष्मा क्षेपी है तो एनर्जी बैरियर छोटा होगा, लेकिन एनर्जी बैरियर तो पार करना ही पड़ेगी, इसके बिना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अरे नीट क्रैक करने के लिए यहाँ बैठना ही पड़ेगा, ये क्रियास्थल है, ये जो लोहे की बेंचेज है वो क्या है, क्रियास्थल। कि सर हम तो घर बैठ के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, असंभव नहीं है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा और आपका जो ये कन्वर्जन है ये बहुत धीरे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंजाइम की उपस्थिति है वहां एंजाइम की अनुपस्थिति है, तो एंजाइम की उपस्थिति अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगी। लेकिन क्या होता है कि सबस्ट्रेट, ठीक है ना, पूरी तरह से रिएक्शन के दौरान क्रियास्थल पर टिका नहीं रहता, सबस्ट्रेट ने झोला उठाया और चल दिया, झोला उठाया चल दिया, तो वो उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अभिक्रिया की शर्त यह है कि सबस्ट्रेट कहाँ बैठा रहे, क्रियास्थल पर बैठा रहे, चुपचाप। लिखो आप, ये लिख दीजिएगा, यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है, यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है, यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है, क्योंकि प्रोडक्ट की विभव ऊर्जा सबस्ट्रेट से कम है, क्योंकि प्रोडक्ट की विभव ऊर्जा सबस्ट्रेट से कम है, यानी उत्पाद की विभव ऊर्जा क्रियाधार से कम है। उत्पाद की विभव ऊर्जा क्रियाधार से कम है, और एंजाइम ने क्या कलाकारी कर दी यहां पर कि विक्रिया को फास्ट कर दिया, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। लिखना, एंजाइम की उपस्थिति सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देती है, एंजाइम की उपस्थिति सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देती है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देती है, डन। ये हेडिंग करो, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, इससे रिलेटेड है तो अभी लिखो आप, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ई प्लस एस, ई एस सी, ई पी सी और ई प्लस पी, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन लिखो, एंजाइम के कार्य करने की प्रकृति, ई प्लस एस, खाली यही स्टेप रिवर्सिबल होगा, बाकी सब इरिवर्सिबल। एक बार ईपीसी बन गया तो वापस लौट के
नहीं जा सकता, सब्सट्रेट नहीं बन सकता वापिस, और फिर ई प्लस पी, तो एंजाइम अनयूज रह गया, और एक ही एंजाइम अनेक क्रियाकार अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। चलिए अब मुझे आप बताओ कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में आप किसको फेवर करते हैं, लॉक एंड की थ्योरी को या इंड्यूस पिट थ्योरी को? लॉक एंड की थ्योरी को डिस्कार्डेड है, इसको फॉलो नहीं करना। समझ आ गई? कारण बताता हूं, हमें फॉलो करना है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, लिख देना। यह इंड्यूस्ड फिट थ्योरी का अनुसरण करता है। एक बहुत पॉपुलर थ्योरी थी लॉक एंड की थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत, डिसअप्रूव्ड है वो, अब उसको फॉलो नहीं किया जाता है। देखो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, यह इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या प्रेरित आसंजन सिद्धांत को अनुसरण करता है। कौन? नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम कार्य करने के दौरान जिस थ्योरी से कार्य करता है वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, प्रेरित आसंजन सिद्धांत अनुसरण करता है, फॉलो करता है। कमेंट और फॉलो, तो फॉलो करता है। डन, देखना समझना जी। लॉक एंड की वाली थ्योरी कहती है कि न तो की के शेप में कोई चेंज होता है, न लॉक के शेप में कोई चेंज होता है, यही उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट था। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहती है कि जैसे हाथ और दस्ताने के द्वारा समझाई जाती है, पीवीसी ग्लव्स आते हैं ना जो आप आगे मेडिकल कॉलेज में पहनेंगे ही, ठीक है ना, तो उस ग्लव्स की बात करते हैं। हाथ सब्सट्रेट है, वो ग्लव है, वो एंजाइम है। ग्लव क्या है? एंजाइम है। तो जैसे ही आपका हाथ उस ग्लव के कॉन्टेक्ट में आता है तो एंजाइम अपनी शेप को थोड़ा चेंज करता है, आपकी अंगुलियों के अनुसार उसके शेप में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, डन, और आपका हाथ उसके साथ अच्छे से फिट हो जाता है। सेम यहाँ होता है, जब क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आता है तो उसको टच करते ही इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा कि वो अपने शेप में जो वांछित परिवर्तन है वो करे, कन्फर्मेशनल चेंजेस। याद आया? सरूपण परिवर्तन एटीपी सिंथेज में, ठीक है। तो जैसे ही सबस्ट्रेट उसको इंड्यूस करेगा वो अपने शेप को थोड़ा चेंज कर लेगा और क्रियाधार मजबूती से एंजाइम के साथ जुड़कर क्या बना देगा? ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इसके पुराने बंध तोड़ेगा, नए बंध बनाएगा, पुराने बंध तोड़ेगा, नए बंध बनाएगा, और फिर बनेगा EPC, और प्रोडक्ट रिलीज कर देगा और एंजाइम फिर फ्री हो जाएगा इस साइकिल को रिपीट करने के लिए। ये क्रिया करता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना थ्योरी कौन सी फॉलो करेंगे? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को फॉलो करते हैं, प्रेरित आसंजन सिद्धांत, डन। इसके आगे एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एंजाइम के तीन प्रकार, सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम और राइबोजाइम, जिसमें कॉन्जुगेटेड एंजाइम का प्रोटीन पार्ट तो एको एंजाइम है, लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट में तीन नाम आते हैं, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटालाइड, श्योरिटी रहती है क्वेश्चन आने की, डन। तो ये कल पढ़ते हैं क्या? ठीक है, हाँ, मतलब नहीं करेंगे आज, इनके वो लॉगिन के कारण इनका टाइम सेट करना पड़ेगा ऑनलाइन वाले बच्चों का, ठीक है भाई, बाय बाय। अरे इन ऑनलाइन वाले कलाकारों को बाय कर रहा हूँ, 22 कम हो गए वो। और तबीयत ठीक है तो क्लास में मिलियो, फिर रजाई में बैठ के ना पढ़ियो, बाय।